2011 मॉडल है, 8-25 हज़ार रुपये डिमांड है इसकी। तो अगर आप कम बजट में मतलब चाह रहे हैं कि एक फॉर्चूनर जैसी गाड़ी। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें LKO मस्ती चैनल को और देखते रहें हमारी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले। वेलकम माई टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज जो है बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा खुद ही कि पीछे काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर, और भी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर बेसमेंट में खड़ी हैं जो कि आएंगी वहाँ से आप सभी के लिए, और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे, पूरी डिटेल बताएंगे उसकी, कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि ये आइडियल कार बाज़ार है, लाल बाग में है, और यहाँ पर आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं काफ़ी बेहतरीन, और बहुत से हमारे भाई लोग यहाँ से गाड़ियाँ ले जाते हैं, और बहुत से भाई जो पिछले वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए थे उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप सबके सपोर्ट से हमारा चैनल अभी 4.5 लाख, लगभग 4,62,000 सब्सक्राइबर पहुँचे हैं, और ऐसे ही आप सबका प्यार और ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो और जल्द से जल्द 1 मिलियन हमारे हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फटाफट आपको दिखाते हैं एक एक करके सारी गाड़ियाँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ हैं आज शरीफुल हसन साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर, और आज हमारे व्यूवर्स को कौन कौन सी गाड़ी दिखाएंगे आज? आज हमारे पास है कम बजट में, जैसे कि 1.25 लाख रुपए में जो बिका है। अच्छा, कम बजट में मतलब स्टार्टिंग आज 1,25,000 से है, तो आज के वीडियो में 1,25,000 रुपए से स्टार्टिंग है। ब्रेजा है, क्रेटा है, अच्छा, और क्रिस्टा है। अच्छा है, कई गाड़ियाँ हैं। तो सारी गाड़ी आज हम देखेंगे इस वीडियो में, आप सभी को दिखाएंगे, सभी की डिटेल बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ये इंडिगा से। तो इस इंडिगा की डिटेल बताइए, कौन सा है, क्या है? 2010 मॉडल है, सेकंड ओनर। 2010 मॉडल, सेकंड ओनर, और कितना चल गई लगभग? चली होगी 80-90 हज़ार। 80-90 हज़ार। क्या प्राइस इसका? 1,25,000 रुपये की डिमांड इसकी है। 1,25,000 रुपये नेगोशिएबल प्राइस है। अच्छा, फिक्स नहीं है। 2010 मॉडल है, तो 2010 मॉडल ये डीजल है। डीजल पे लगभग क्या माइलेज इसका आता हो? 18-20 का माइलेज। तो कम बजट में अगर डीजल गाड़ी आपको चाहिए तो एक बार इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन आप देख ही रहे हैं कैसी है, इंटीरियर कैसा है, सारी चीज़ें आपको दिखाई दी हैं। तो दोस्तों एक और आपको गाड़ी दिखाते हैं जो कि बेहतरीन, आज बहुत ही सबकी पसंदीदा गाड़ी है, इनोवा क्रिस्टा, और भाई डिटेल बताएंगे इसकी, क्या डिटेल है? 2016 मॉडल की गाड़ी है, फर्स्ट हैंड। 2016 मॉडल है, फर्स्ट हैंड है। 1,20,000 के अंदर चली हुई गाड़ी है। 1,20,000 चली है। 1,20,000 मतलब इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है ना, मतलब अभी इंजन रवा हुआ है समझ लीजिए क्योंकि ये तो 8-8 लाख चलती है। 7-8 लाख जी। तो क्या माइलेज लगभग दे देती है? माइलेज कम से कम 15-16 का माइलेज आता है। अच्छा, ये सेकंड टॉप है, टॉप है, कौन सा ये है? ये जी मॉडल है। जी मॉडल है। जी मॉडल में इसमें क्या क्या मतलब मिल जाएगा? चारों विंडो मिलेंगे आपको, डिफॉगर, रेयर वाइपर, अच्छा, और डबल एयरबैग, डबल एयरबैग्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, और सबसे मेन बात ये कि गाड़ी 2016 मॉडल है, और गाड़ी की कंडीशन आप देखिए चारों तरफ से कि कंडीशन बेहतरीन है, और जिसने भी रखी है वो अच्छे से मतलब रखी है गाड़ी, है ना। तो क्या प्राइस इसका हो जाएगा हमारे लोगों के लिए?
की डिमांड जो रखी है 12,90,000 रुपये। 12,90,000 रुपये निगोशियेबल? तो 12,90,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। जब आप आएंगे ऑन टेबल बात करेंगे, एक बार आकर के गाड़ी चेक करें, देखें और भाई के साथ बैठ करके बात करें, कम हो जाएगा, निगोशियेबल प्राइस है। तो आपको दिखाते हैं छोटी गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन गाड़ी जो कि आप सब बड़ा पसंद करते हैं, सेंट्रो। जैसा कि सेंट्रो, अल्टो, वैगनार ये सब गाड़ियां लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, वो वाकई में गाड़ी भी बेहतरीन होती है, मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता इसमें, है कि नहीं? तो इस गाड़ी की डिटेल बताइए, कौन सा मॉडल है ये? 2014 मॉडल की गाड़ी है। 2014 मॉडल फर्स्ट हैंड गाड़ी है। अच्छा, 34,000 चली हुई गाड़ी, मात्र 34,000 जेन्युइन चली है। तो जेन्युइन चली हुई गाड़ी है, पेंट पे गाड़ी है। अच्छा, ये ओरिजिनल पेंट है इसका, कहीं से बम्पर वगैरह कुछ भी नहीं? बम्पर वगैरह टचअप है। अच्छा, बम्पर है, बाकी पूरी ओरिजिनल है, छत से लेकर के साइडें वाइडें सब जो है पूरी ओरिजिनल है। ठीक है, तो क्या प्राइस रखा है इसका? इसकी डिमांड जो रखी है 245। अच्छा, 2,45,000 रुपये, 45,000 रुपये जो नेगोशियेबल है। तो 2014 मॉडल की गाड़ी है ये सेंट्रो, और गाड़ी 34,000 किलोमीटर मात्र चली हुई है, जो कि जेन्युइन चली हुई है। भाई ने बताया ओरिजिनल पेंट है गाड़ी का। इस गाड़ी को आकर के चेक करें, चला करके देखें, क्या माइलेज लगभग मिल जाता होगा इसमें? इसका हाईवे पे 17-18 का माइलेज आता है, शहर में 15-16। अच्छा, हाईवे पे 17-18, शहर में 15-16 का माइलेज भी मिल जाता है पेट्रोल से आपको, और गाड़ी भी काफ़ी बेहतरीन होती है, इसका इंजन भी काफ़ी मजबूत होता है। तो उसके बाद में आपको दिखाते हैं होंडाई की i10, जो कि मॉडल भाई बताएंगे कौन सा है? 2009 मॉडल की गाड़ी है। 2009 मॉडल, सेकंड ओनरशिप है इसकी। अच्छा, सेकंड है, कितना चल गई अभी तक ये? 62,000 चली हुई गाड़ी, 62,000। तो 62,000 चली है, और क्या प्राइस लगभग हो जाएगा इसका? 185 की है। अच्छा, 185 मॉडल, 2009 मॉडल है। तो 1,85,000 रुपये इसकी डिमांड है, जो कि नेगोशियेबल प्राइस है। बाकी गाड़ी की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये टॉप मॉडल है या सेकंड टॉप है? ये स्पोर्ट्स मॉडल है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स मॉडल है, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं इसमें? इसमें आपको वाइपर, डिफॉगर, चारों विंडो मिल जाते हैं, एसी वगैरह तो बढ़िया है इसका। इंजन पे है। अच्छा, कप्पा इंजन पे। तो माइलेज लगभग क्या दे देती है? माइलेज 15-16 का माइलेज आएगा। 15-16 का, तो 15-16 का माइलेज इसका है। और अगर आपका बजट कम है, 2,00,000 के अंदर का बजट है, उस बजट में अच्छी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो ये बेहतर रहेगी, बढ़िया रहेगी। तो भाई ने बोल दिया तो मतलब बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए आराम से, इसको चेक करिए, और नेगोशिएबल प्राइस है, कम तो होगा ही। तो जब आप आएंगे ऑन टेबल बैठेंगे, कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दोस्तों, एक और आपको i10 दिखाते हैं, जो कि वाइट कलर में है ये देखिए। और ये मॉडल की बात की जाए तो कौन सा मॉडल है? 2011 मॉडल। 2011 मॉडल, और कितना चल गई लगभग ये? चलिए करीब 75,000। 75,000, और ओनर फर्स्ट है इसका? सेकंड ओनर इसका भी है। तो सेकंड ओनर ये भी है, और गाड़ी की कंडीशन ठीक ठाक है, बढ़िया है। अच्छा, इसमें पैसा लगाना नहीं गाड़ी के अंदर आपको? अच्छा, जो भी पैसा लगना होता है, मतलब टायर से लेकर के सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया है, कुछ लगना नहीं है इसमें। तो इसका भी माइलेज सेम ही वही 16-17 का आराम से होगा। तो 16-17 का माइलेज है, 2011 मॉडल है ये, सेकंड ओनर। कितना चल गई है? 70-75,000। क्या प्राइस लगभग हो जाएगा इसका? इसका 225 की डिमांड है। 2,25,000 रुपये की डिमांड है। 25,000 रुपये। अच्छा, कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है और कम हो जाएगा। एक बार आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, भाई का नंबर ही मिलेगा आपको, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो जो कम होना होगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में ब्रेज़ा, जो कि बहुत सारे भाई लोग हमारे डिमांड करते हैं कि भाई ब्रेज़ा दिखाइए, वो भी वाइट कलर में दिखाइए। तो वाइट कलर आपके सामने है, और गाड़ी की कंडीशन भी बिल्कुल बेहतरीन है। तो कंडीशन की बात करें तो भाई बताएंगे कि कितना चली है गाड़ी? ये 2017 मॉडल की VDI ऑप्शनल है। अच्छा, मैं आपको डबल एयर बैग देंगे अलग से, आपके कंपनी इसमें आपके अलॉय व्हील्स भी देती है इसमें। अच्छा, इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। माइलेज लगभग क्या 20 का मिलता है? 18-20 का आराम से। 18 से 20, तो 18 से 20 20+ आता है हाईवे पे, 20+ आता है। अच्छा, कम से कम 18-20 का मैरिज रहता है जी, हाईवे पे करीब 20-22 आराम से आता है। कितना चल गई है ये? चली है सिर्फ 1,76,000। सिर्फ 1,76,000 ये चली है सिर्फ, भाई बता रहे हैं मतलब। तो ओनर क्या है इसका? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। तो भाई कहाँ किसी भी गाड़ी मीटर बैग नहीं मिलेगा? अच्छा, मीटर जो है वो जेन्युइन मिलेगा? जेन्युइन मिलेगा। तो जेन्युइन मीटर भाई के यहाँ मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो अभी गाड़ी का इंजन की कंडीशन तो बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। क्या प्राइस इसका हो जाएगा?
इसका प्राइस डिमांड जो रखी है 7 लाख, 7 लाख रुपए। 2017 मॉडल, ओनर फर्स्ट है और 1,76,000 चली गाड़ी है ये, और इसकी डिमांड 7 लाख रुपए नेगोशिएबल है। तो भाई देखिए, जो भी चीज़ है बिल्कुल क्लियर है वो सारी चीज़ें भाई बता देते हैं, क्योंकि इसका जो मीटर है वो बिल्कुल जेन्युइन है, जो चली है वो बता रहे हैं। 7 लाख रुपए डिमांड है। वैसे नई कितने में आती है ये? नई गाड़ी करीब अराउंड 10 लाख। अच्छा, 10 लाख रुपए के आसपास। तो 10 लाख के आसपास ये नई गाड़ी आती है। बाकी नेगोशिएबल प्राइस है, फिक्स तो नहीं है, कम हो जाएगा। ऑन टेबल आप आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कम हो जाएगा। बाकी एक बार गाड़ी आप देखिए, गाड़ी अच्छी कंडीशन में है, बस यही है कि चली थोड़ी सी ज़्यादा है। तो एक और गाड़ी आपके बजट में आ चुकी है, नायाब नगीना बिल्कुल गाड़ी लग रही है, मतलब मज़ा आ जाएगा। तो कौन सा मॉडल है ये बताइए भाई? ये 2011 मॉडल की गाड़ी है। 2011 मॉडल की है, और ये फॉर्चुनर 2011 मॉडल के लिए बहुत कम चली, सिर्फ 2,80,000। फिर बहुत कम आप बता रहे हैं, मतलब कितना? 10 लाख चलना चाहिए। 2,80,000 चलिए। 2,80,000 ये चल चुकी है, और बहुत अच्छी गाड़ी, बढ़िया है। इंजन अभी कैसा है? बिल्कुल बेहतरीन है, मतलब अभी टोयोटा की देखिए कम से कम 5-6 लाख किलोमीटर, 5-6 लाख तक। तो मतलब 2 चल गई, 4 लाख अभी और है। 7 लाख चला चुके हैं गाड़ी, चलाने वाले 7 लाख चला चुके। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, इनोवा जैसी गाड़ी 6-6 लाख चल चुकी है, ये गाड़ी अभी 3-4 लाख तो और चलेगी आराम से। तो मॉडल 11 है, चली ये 2,80,000 है। ओनर क्या है? सेकेंड है, तो सेकेंड ओनर है। क्या प्राइस हो जाएगा इसका? इसकी हमने जो रखी है 8 लाख रुपये रखी है। 8,25,000। 8,25,000 रुपये। 2011 मॉडल है, 8,25,000 रुपये डिमांड है इसकी। तो अगर आप कम बजट में, मतलब चाह रहे हैं कि एक फॉर्चुनर जैसी गाड़ी आपके पास हो, तो मिल सकती है, भाई के पास आ जाइए जल्दी से। और कम कितना हो जाएगा? हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं होगा तो हमें बताइएगा, हम आकर के बैठ कर कम करवाएंगे, टेंशन न लो बिल्कुल। तो गाड़ी ठीक है, बढ़िया है, और अगर आपका बजट जो है वो इतना है तो आप ये फॉर्चुनर ले सकते हैं, वो भी नेगोशिएबल प्राइस है। ऑन टेबल आएंगे तो भाई कम भी करेंगे। एक ये ईयॉन खड़ी है, जो कि कंडीशन देखिए बढ़िया है। 2012 मॉडल है, ओनर फर्स्ट है, सेकंड ओनरशिप में, सेकंड ओनर है। अच्छा, 35,000 जेन्युइन चली है। तो 35,000 जेन्युइन चली गाड़ी है, सबसे मेन बात। तो यहाँ पे मीटर बैग नहीं मिलेगा आपको, जो है वही बताते हैं। कंडीशन गाड़ी की आप देख सकते हैं, इसका जो प्राइस है डिमांड कर रहे हैं 2,10,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, जो कि फिक्स नहीं है, नेगोशिएबल प्राइस है। अंदर से भी गाड़ी ठीक ठाक लग रही है, साफ है बिल्कुल। तो दोस्तों, एक गाड़ी और भी खड़ी छोटी गाड़ी में, ये देखिए निसान की माइक्रा है, माइक्रा तो निसान माइक्रा पेट्रोल में है ये। और कितनी चली ये गाड़ी लगभग? 70,000 ये गाड़ी चली है। ये देखिए गाड़ी की कंडीशन देखिए, और टायर की कंडीशन भी बढ़िया है। अंदर से दिखाते हैं आपको, ये देखिए अंदर से भी देखते हैं इंटीरियर कैसा है। अंदर से भी देखिए गाड़ी की जो कंडीशन है बढ़िया है, साफ है बिल्कुल। क्या प्राइस हो जाएगा इसका? इसकी डिमांड 2,25,000 रुपए की है। अच्छा, ओनर फर्स्ट है ना ये? फर्स्ट ओनर है। 2011 मॉडल है, और कितना चली है? 70,000 चली है, और इसकी डिमांड जो है वो 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये।